के जनपद मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब खनन माफिया पुलिस को भी नहीं बख्श रहे हैं। हालांकि खनन का पुलिस की ही मेहरबानी से चलता है, लेकिन अब तो खनन माफिया पुलिस को भी नहीं बख्श रहे हैं। खनन करने के लिए जा रहे डंपर निटाल 112 PRV 0264 में टक्कर मार दी, जिसमें 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मी को मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें कि मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के करणपुर मार्ग पर गोविंदपुर के पास खनन माफिया खनन कार्य को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। कुलदीप जी, क्या हुआ था उस टाइम जब माफिया आपकी तरफ को भागे? हम जो गश्त में जा रहे थे, पीछे से डंपर आया, उसमें गाड़ी पीछे से मार दी। गाड़ी जो हमारी नहर में जाएगा, पलट के चारों पर ऊपर हो गया। कितने लोग थे आप उस टाइम? 3। तीनों को चोट आई है? हाँ जी। क्या डंपर पहचाना गया है? हमें क्या पहचान नहीं, मतलब पलट गई गाड़ी, हम तो पानी में पानी पी गए। अच्छा, मुंडा पांडे क्षेत्र के कौन से गई घटना? नाना करणपुर रोड की। गोविंदपुर। क्या कोई बड़ा अधिकारी भी आया है? हाँ, सीओ साहब है, हमारे इंस्पेक्टर महोदय हैं, एसआईएमटी महोदय हैं, सब अधिकारी। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।